महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। अब तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। भुसावल से राजेश तुकाराम को मिला टिकट। जलगांव से स्वाति संदीप वाकेकर, वर्धा से शेखर शिंदे होंगे उम्मीदवार। नागपुर साउथ से कांग्रेस ने गिरीश पांडव को दिया टिकट। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से होगा मुकाबला। कांग्रेस ईसी की बैठक में नाराज दिखे राहुल गांधी। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र स्टेट यूनिट से जताई नाराजगी। कई सीट सहयोगियों को दिए जाने पर राहुल ने उठाए सवाल। ओबीसी और दलितों की सभी जातियों से उम्मीदवार बनाने के दिए निर्देश। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन भानुमति का कुनबा। ये कुनबा लगातार टूट रहा है। कांग्रेस को अब उसके वोटर भी गंभीरता से नहीं लेते। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को अल्टीमेटम दिया। अबू आजमी ने कहा, आज 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके एबी फॉर्म भी भरवा दूंगा। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात की। कहा, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। महाविकास अघाड़ी को लेकर बोले बीजेपी नेता किरीट चौमैया, चुनावी नतीजों के बाद पूरी तरह से विभाजित और बिखर जाएगा एमपीए। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाई खला से मनोज जामसुतकर को टिकट। वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवडी से अजय चौधरी उम्मीदवार। सीट शेयरिंग के बीच अजीत पवार की पार्टी में बगावत। समीर भुजबल ने नासिक के नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सीट बंटवारे में शिवसेना शिंदे गुट के कोटे में गई है नांदगांव सीट। अजीत पवार की एनसीपी के मुंबई चीफ थे समीर भुजबल, हाल ही में दिया था इस्तीफा। महायुति में 10 सीटों पर पेंच फंसा। बीड अंधेरी ईस्ट बदलापुर सीट पर पेंच फंसा। मानखुर्द सीट पर नवाब मलिक के नाम को लेकर सहमति बनी नहीं। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के करीबी उदय सामंत जालना पहुंचे। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की। सीएम शिंदे का संदेश उन तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के चुनावी रण में दिवाली के बाद उतरेंगे पीएम मोदी। पूरे प्रदेश में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक गोंदिया, अकोला, नांदेड़, पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैलियां। 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनावी हलफनामे से खुलासा, बीते वर्षों में 23% इजाफा। असम सीएम और झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा रांची पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अखिलेश यादव, डिंपल, शिवपाल, जया बच्चन समेत 19 लोगों के नाम शामिल। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की चुनाव आयोग को चिट्ठी। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर उनकी बहू के लिए चुनावी प्रचार करने के आरोप लगाए। कार्रवाई की मांग की।